दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इलेक्रमा 2023 में जो कि है वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन और ये लगा हुआ था अपने ही इंडिया में एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। काफ़ी कंपनीज इसमें आती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया की भी सारी कंपनीज इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कंपनीज मोस्टली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और काफ़ी सारे हॉल्स में ये लगा हुआ है। देखिए 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15 तक का हॉल्स में लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन रहता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और काफ़ी लंबी लाइन ऑलरेडी लगी हुई है रजिस्ट्रेशन सेंटर पर, और अगर आप इन रजिस्ट्रेशन लाइन्स पर नहीं लगना चाहते तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था एंड आप भी इसकी वेबसाइट पे जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते थे एंड फ्री शटल सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं पहुँचने के लिए इजीली। और अब हम पहुँच गए इसके मेन एंट्रेंस हॉल में एंड काफ़ी अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ईमा IEEMA इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इसे कंडक्ट करवाती है। लगभग हर साल ये एग्जीबिशन होती है बट कोविड के बाद में अब इतना बड़ा ये एग्जीबिशन दोबारा से हुआ है। नाउ चलते हैं अब हॉल नंबर 1 की साइड को एंड देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इधर पे लगी हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं इसे बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोग देश दुनिया से इसमें आते हैं, देखते हैं, और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म ये होता है अगर आपको कुछ नया देखना है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से नेटवर्क बना सकते हैं और भी बहुत सारे लोग जो एग्जीबिशन में आए हैं उनसे नेटवर्क बना सकते हैं। तो मैं एनर्जी ऑडिटिंग पे हूँ तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स देख रही थी, तो ये काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किया गया हुआ है तो मैंने इसे क्लोजली लिया था। 1 to 9 हॉल एक बिल्डिंग में है, वो भी उसके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर में। बहुत बड़े बड़े हॉल हैं जिसमें एक दिन में तो कवर नहीं हो सकता, तो मैंने 2 दिन में कवर किया है। 2 दिन में भी कंप्लीट कवर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, एसेसरीज मिलेंगी, बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं 9 to 15 हॉल की तरफ जो कि दूसरी साइड में बिल्डिंग है एंड यहाँ पे भी काफ़ी सारे हॉल हैं। ये देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट, मैं ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट देख रही थी। और ये आप देख सकते हैं पैनल्स लगे हुए हैं एंड इस तरीके से स्टॉल्स लगी हुई हैं। एक एंट्री से आप लेते हैं, एक जगह से एंट्री लेते हैं, दूसरे हॉल में जाते हैं, बहुत सारे हॉल में इंटरेक्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर से उनके प्रोडक्ट के बारे में एंड क्या स्पेशलिटी है उनका, क्या कुछ नया है मार्केट में। तो यहाँ पे मैं इंटरेक्शन कर रही थी एक EV चार्जर मैन्युफैक्चरर से एंड आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि हम लोग भी EV चार्जर्स अभी दे रहे हैं एंड ये देख सकते हैं काफ़ी रौनक है इस मार्केट में। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्विच गियर्स हैं, AC भी लगा हुआ है, MCC भी लगा हुआ है एंड स्मार्ट ये सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है कुछ। एंड EV चार्जर्स जैसा कि मार्केट में नए प्रोडक्ट हैं तो EV चार्जर्स भी काफ़ी पॉइंट्स पे लगे हुए थे तो मैंने उनको भी क्लोजली लिया हुआ है एंड हम लोग भी EV चार्जर्स पे काम कर रहे हैं। तो आपको अपने घर पे लगवाना है या फिर किसी कमर्शियल कम्प्लेक्स पे लगाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बहुत अच्छा डिस्प्ले था जिसमें वेस्ट टू एनर्जी शोकेस किया था एंड काफ़ी अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी स्टॉल था। तो ये था दोस्तों इलेक्रमा 2023 के वीडियो का एंड। एंड अगर आप लोग अभी तक नहीं आ रहे थे तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर आइएगा एंड ऑलरेडी आते हैं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।